टेक आवर वर्ड ऑफ एडवाइस, हमारी सलाह माने, वॉरेन बुफे की तरह इन्वेस्ट करना बंद करें या चेष्टा भी ना करें। सरप्राइज्ड, आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हम तो वॉरेन बुफे बनना चाहते हैं, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको कि वॉरेन बुफे की तरह इन्वेस्ट करने की चेष्टा भी ना करें। जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर और ऐसे बहुत सारे सवाल जो आपके दिमाग में हैं। आप देख रहे हैं इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बाय रिसर्च एंड रैंकिंग। चलिए शुरू करते हैं। द ओरेकल ऑफ ओमाहा, यही कहा जाता है वॉरेन बुफे को। और वॉरेन बुफे आज इतने सक्सेसफुल हुए हैं बिकॉज उन्होंने ये नहीं डिसाइड किया था कि वो 30 से 40 साल की उम्र में बहुत सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं। इनफैक्ट उनमें ऐसी बहुत सारी खूबियां हैं जो आप में मेरे में बिल्कुल भी नहीं। कंसिडर करते हैं, 11 साल की उम्र से उन्होंने इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट की, और आज जो वो 90 साल के ऊपर उनकी एज हो चुकी है, आज भी वो उसी जील उसी एंथुजियाज्म से बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, स्टडी करते हैं। ये वॉरेन बुफे का तरीका है। दिन में 600 से 800 पन्ने पढ़ने वाले वॉरेन बुफे किसी भी बिजनेस को बहुत बारीकी से स्टडी करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। 600 से 800 पन्ने हर दिन पढ़ना, दिस कैन ओनली बी वॉरेन बुफे वे ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर आप माने तो वो दिन में 6 से 7 न्यूज़पेपर हर दिन पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ते हैं। दिस इज वॉरेन बुफे वे ऑफ इन्वेस्टिंग। वॉरेन बुफे वे ऑफ इन्वेस्टिंग वो नहीं है कि आपने वॉरेन बुफे की फोटोग्राफ अपने डीपी में लगा दी व्हाट्सएप की, और अपने फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए आपने उनके लिए उनकी लिखी हुई 10 बुक्स ले ली। वॉरेन बुफे वे ऑफ इन्वेस्टिंग वो भी नहीं है कि आपने बर्कशायर हैथवे के बहुत सारे एनुअल न्यूज़लेटर्स इकट्ठे करके किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश की। वॉरेन बुफे वे ऑफ इन्वेस्टिंग वो भी नहीं है कि आपने वॉरेन बुफे के 10-15 कोट्स जो आपको बड़े अच्छे लगते हैं अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स में सर्कुलेट करने स्टार्ट किए। ऐसे वॉरेन बुफे नहीं बन पाएंगे, ना कोशिश कीजिएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ना कोशिश कीजिएगा, बिकॉज 30 से 50 साल से 60 साल की होल्डिंग अपने स्टॉक्स में सिर्फ वॉरेन बुफे ही कर पाते हैं। आप और मैं अगर 10 से 15% करेक्शन अपने पोर्टफोलियोस में देखते हैं एक हफ्ते में, एक महीने में, तो हम लोग घबरा जाते हैं। सच्चाई ये है कि हम 5 से 6 घंटे हर दिन नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? बिकॉज हमारी अपनी कमिटमेंट्स हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सैलरीड हैं, एम्प्लॉयड हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इसको देख रहे हैं, जिनका अपना बिजनेस है, एंड यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन। हम सब की अपनी अपनी कमिटमेंट्स हैं और हम 5 से 6 घंटे हर दिन नहीं पढ़ सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि वॉरेन बुफे जहां हैं वो उनकी अपनी दुनिया है। उस दुनिया में उनकी रिटर्न्स, उनके पोर्टफोलियोज, उनका पैशन, उनकी स्टडी, उनका होमवर्क आप और मैं कॉपी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि वॉरेन बुफे वे ऑफ इन्वेस्टिंग की चेष्टा भी ना करें आप, बिकॉज हम वो चीज़ नहीं कर पाएंगे, तो क्या कर पाएंगे? अब इसकी काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या आती है कि संजीव जी, हम ये भी तो नहीं कह रहे आपसे कि हम वॉरेन बुफे की तरह बिलियंस का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। एब्सोल्युटली फाइन, अब आप अच्छी बात कर रहे हैं, बिकॉज आप इस बात को तो मान चुके हैं कि वॉरेन बुफे बनने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है। तो स्टार्ट कहां से करें? अब ये आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि समझ गए, लेकिन इसको शुरुआत कैसे करें? तो एक काम करते हैं, अगर आप एग्री करें तो इस बात को अच्छी तरह समझ के आज अपने वर्क एथिक्स में अपनाने की कोशिश करते हैं। वॉरेन बुफे का एवरेज होल्डिंग पीरियड है 30 से 40 से 60 साल का। अब 60 साल तक तो आप इन्वेस्ट नहीं करने वाले, ना किसी स्टॉक को होल्ड करने वाले हैं, बिकॉज आप और मैं ऐसा सोचते हैं कि किसी स्टॉक को अगर आप 1 साल भी होल्ड कर लिया तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, राइट? तो एक काम करते हैं, अगर आप 30, 40, 50 साल किसी स्टॉक को नहीं होल्ड कर सकते या पोर्टफोलियो की देखरेख नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट 3 साल से तो शुरू कीजिए।
एटलीस्ट 4 साल 5 साल तक तो किसी पोर्टफोलियो को नर्चर कीजिए, उसकी केयर कीजिए, उसको बैलेंस रीबैलेंस कीजिए। एटलीस्ट 60 साल नहीं तो 5 साल तो सही। वॉरेन बफे की बिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो हम कभी रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, तो कम से कम 1,50,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 जितना आपका इन्वेस्टेबल सरप्लस है वहां से स्टार्ट तो कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉरेन बफे की बिलियंस ऑफ प्रॉफिट्स आ रहे हैं पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट से, आप कम से कम CAGR तो कैलकुलेट करना सीखें अपने पोर्टफोलियो के ऊपर। वॉरेन बफे दिन में 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं, आप हफ्ते में मैं ज्यादा नहीं कह रहा आपसे, हफ्ते में 5 से 6 घंटे, और वो भी उन बिजनेसेस को जो आप ओन करते हैं, पढ़ना तो स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि वो जो 5 से 6 घंटे आप एक हफ्ते में स्पेंड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को समझने में, परखने में, वो आपकी धीरे 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 हैबिट बनती चली जाएगी। तो अगर मैं समराइज करूं तो आप स्टार्ट कीजिए 60 साल नहीं 5 साल, बिलियंस ऑफ प्रॉफिट्स नहीं, कुछ 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 जितना आप कर सकते हैं वहां से स्टार्ट कीजिए। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, आप अपने पोर्टफोलियो का कैगर तो कैलकुलेट करना सीखिए। तो इन सारी शुरुआत को जब आप लेके चलेंगे, समझना स्टार्ट करेंगे, परखना स्टार्ट करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वॉरेन बफे एक बहुत ही अलग दुनिया है और इसको आप बार बार अप्रिशिएट करेंगे। मैं संजीव आनंद आपसे आज्ञा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार इंटरेस्टिंग टाइम्स में सेफ रहे, सेहतमंद रहे। जब तक हम फिर मिलें, आज्ञा दीजिए, गुड बाय। क्या आपको ये वीडियो पसंद आया? तो फिर ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप डाउनलोड करें।